प्रार्थना भवन टीवी जो प्रभु यीशु का चैनल है, देखने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, जय यीशु मसीह की। प्रार्थना भवन टीवी में प्रतिदिन संतों के बारे में सुनकर जानकारी प्राप्त करें। ईसाई धर्म में संत वही है जो प्रभु यीशु के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दे। कुछ संत तो प्रभु यीशु के नाम पर शहीद हो जाते हैं, पर वे सारे संत अपना पूरा जीवन दुख उठाते हैं और पूरी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि फादर जोसेफ जी, जिन्होंने स्वयं प्रभु यीशु से प्रेरणा ली है, वो आज आपको संतों के बारे में बताएंगे। और यदि आप संतों के बारे में अधिक जानकारी जानने के इच्छुक हैं, आप हमारी ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है tagdijosh@gmail.com। दिसंबर 12 संदनी जेन फ्रांसिस डी शांडल धर्म पेन यीशु मसीह विच मेरे प्यारे प्रावते पेनो अदे बच्चे आज असीम संदनी जेन फ्रांसिस डी शांडल डी ईद मनाऊंदे हाँ। संदनी का जन्म 18 जनवरी 1500 बेगतर विके फ्रांस विके होया सी। जदों संदनी जेन फ्रांसिस 18 महीना सी उनांदी मां मार्गरेट दी मृत्यु हो गया। उनांदी बाप दा नाम सी बेनिगन फ्रीमेओट हर विच भी उनानू उना दिना दे रीति रिवाज मुताबिक पढ़ाई मिल गया। निजी अध्यापक दे राही उनानू अपने हर विच चंगा पढ़ाई मिली। जदों संदनी जेन 21 साल सी उनांदा शादी क्रिस्टोफर डी चैंडल दे नाल हो गया। 7 साल के बाद अपना पदीदा मृत्यु हो गया। उदों खुदा ने उनानु 3 बेटियां अते 1 बेटे नु दिया सी। संदनी जेन फ्रांसिस एक तपस्या अते हर तरह दिया नेकी दा भंडार सी। उनाने अपनी जिंदगी विच हलीमी अते सहनशीलता इना सब नेकी इदा पालन कीती सी। अदे उन्होंने बहुत उत्तमी ढंग नाल अपने बच्चों की पढ़ाई उते ध्यान रखिया। जदों संदनी जेन शांडल 32 साल दा उम्र सी, उन्होंने अपने बाप ते हर विच गई उते उन्होंने एक महान संत संत फ्रांसिस दी सेल्स नू मिलिया। संत उदों लेके संत फ्रांसिस दी सेल्स संदनी जेन फ्रांसिस दा रूहानी गुरु बन गया। संदनी जेन फ्रांसिस ने अपने आप नू संत फ्रांसिस डी सेल्स से हुक्म दे मुताबिक खुदा नू सौंप दिता। 1607 विके संदनी ने यह फैसला किया है कि वो एक नवा जमात अवरताम ले शुरू करना है। सारे पेणाम इस जमात विके माँ मरियम दा एलिजाबेथ नू मिलना उस रूहानी शिक्षा उते चलना चाहिदा है। उनांदे जमात एक कानूसी की रगम दे जिस्मानी काम आदे रगम दे रूहानी कम्मा उते निर्भर सी। उनांदे अपने परिवार दे सब जिम्मेवारी नू पूरा करन दे बाद संदनी जेन फ्रांसिस जैंडल अपने दो साथियों के नाल 10 जून 1610 विके ये नवा जमाता शुरू की थी। इस जमात का नाम उन्होंने रखिया ऑर्डर ऑफ द विजिटेशन ऑफ मां मरियम। उन्होंने अपनी जिंदगी विच भी 80 कॉन्वेंट यूरोप के वक् वक् देशों विच शुरू की थी। 1627 विके पूरा फ्रांस विके एक महामारी फैल गया। उन्हां विच बहुत लोगों का मृत्यु हो गया। संदनी जेन फ्रांसिस चैनल वो खुद ये बीमार नाल पीड़ित सी।
इस बीमारी दे कारण उन्हानु बहुत तकलीफ सामना करना पड़ा सी। उन्हां दा मृत्यु 13 दिसंबर 1641 के होया। संत बापा क्लेमेंट तेरवा ने 16 जुलाई 1760 के संतनी जेन फ्रांसिस नू संतनी दा दर्जा दिता। अब सिंगुदा नाम बदना उते गौर करिए संत लूका दे अंचेल उन्हां दे पाले बाप उन्दाली तों लेके बताली तक उन्हीं दिनी मरियम उड़के चेती नाल पगाड़ी केतर विच यहूदिया देश ते एक शागर नू रवाना हुई। अदे उसने जकरिया दे घर जाके अंदर वर्तियाम एलिसबद नू सलाम आकिया। जदों एलिसबद ने मरियम दा सलाम सुनिया तां बच्चा उसकी कुक विच उछल पिया। अदे एलिसबद रूबाग नाल फर गई। अदे उच्ची आवाज नाल बोल पई तू अवरताम विचों थाने अदे थाने तेरी कुकदा फल। असी प्रार्थना करिए या रब्बा तेरी कृपा नाल संत जेन फ्रांसिस ने पगलाम आपने ब्याह दी जिंदगी रागी अदे बाद विच धर्म पेंड बन के तेरी सेवा की थी। उसकी प्रार्थना दी मात्र आगे तू सानू साड़ी जिंदगी विच सोंबे वको वकरे कमां प्रति वफादार रही के संसार लई चानन मुनारा बनंदे। असी बेनती करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह तेरे बेड़े दरागी जड़ा तेरे नाल रूपाक स्नेह कुदा जीवन दा दराज करता आगे स्तातोम स्तातीकर आमीन।